हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको जो मेरे वीडियोस हैं उनसे बड़ी अच्छी समझ आ रही है। और लास्ट वीडियोस में जिस तरह हमने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में की फ्रेम्स ऐड करना और फिर उसकी थोड़ी एडवांस टेक्निक्स को देखा था, उससे हम थोड़ी प्रोफेशनल लुक कैसे आती है वीडियो में उसको देखा था। आज का जो वीडियो है वो हमारा एक टूल के बारे में जिसको हम कहते हैं पेन टूल। पेन टूल करता क्या है? इनफैक्ट पेन टूल इज अ टूल विद विच वी कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन। ऑब्वियसली ये एक ग्राफिक लेयर ऐड कर बनाता है। देन वी कैन एडजस्ट द विजिबिलिटी ओपेसिटी लेवल ऑफ अ वीडियो क्लिप एंड द ऑडियो लेवल ऑफ एनी ऑडियो क्लिप, वॉल्यूम लेवल ऑफ एनी ऑडियो क्लिप। सो ये इस पर होता कैसे है काम, उस पर हम प्रैक्टिकली ज़रा इसको देखते हैं। ये देखिए, मैंने स्क्रीन पर कुछ क्लिप्स हैं मेरे, ये तीन एक क्लिप हैं और नीचे मेरा एक ऑडियो का ट्रैक है। मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ। ये मेरे कुछ क्लिप थे। पेन टूल करेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन प्रेस हिट पी फॉर टू सिलेक्टिंग द पेन टूल। अगर आप टूल बॉक्स में देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेन टूल। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस में रखें तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखा रहा है कि पेन टूल करता है क्या। इसमें पेन टूल है, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्टिकल टूल है, एलिप्स ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे अगर आप पेन टूल को देखें तो यहाँ अगर मैं इसको स्क्रीन पे जाके यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता है। और ऑब्वियसली जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे आप लेयर पैनल में देखें टाइमलाइन पे, तो यहाँ पे उसने ग्राफिक की लेयर भी ऐड कर दी है। अब इसमें इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके देखें तो यहाँ पे वो डिफरेंट उसके थोड़ी कुछ सेटिंग है पेन टूल की, ये उसने ड्रॉ की है। यहाँ पे ये रेड कलर आप यहाँ से, चूंकि सिलेक्ट था, आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने वाइट किया है। आप ये स्ट्रोक था इसका, इसको अनचेक कर दें तो ये स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा। इसका शेडो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है, तो ये शेडो भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। पेन टूल आप सिंपली लें, पेन टूल से स्क्रीन पर जाना है आपने और स्क्रीन पर आपने एक जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाएं, मैंने आपको बताया था ये आपका फिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप फिल में जाएंगे और अपनी मर्जी से कोई आप ये कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से। या अगर आप चाह रहे हैं कि इसको स्ट्रोक देना चाहें ऑब्वियसली तो आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इसको लाइट ग्रे कलर का ये एक स्ट्रोक दे दिया है। यहाँ से उसकी विड्थ भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, तो ये मैंने स्ट्रोक दिया हुआ है। और नीचे इसका है एक ऑप्शन शेडो का, अगर ये अनचेक होगा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप शेडो लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक करना होगा और यहाँ से फिर नीचे उसकी एग्जैक्टली उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, उसका डिस्टेंस कितना होगा और ये ऑब्जेक्ट के बाहर होगा या ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ये, और स्प्रेड कितना होगा, ये यहाँ पे उसके थोड़े कंट्रोल हैं। ये उसकी ओपेसिटी है। यहाँ से जितनी आप कम कर देंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उतनी ओपेसिटी इसकी कम नज़र आ रही है। अगर आप हार्ड कर देंगे ओपेसिटी तो आपको हार्ड नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा कलर इसका डार्क करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ठीक नज़र आए। यहाँ पर आप देखें, अगर आप स्क्रीन पर तो यह उसकी ओपेसिटी जो शेडो की है वो मैंने मैक्सिमम की है 100, तो ये आपको लाउड नज़र आ रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल थोड़ा सा डाउन करूं तो यहाँ से ओपेसिटी कम भी हो सकती है। ये नीचे वाला जो एंगल है यहाँ से आप अपनी मर्जी का एंगल सेट कर सकते हैं कि इसका शेडो किस तरफ आएगा। ऑब्वियसली ये उसका डिस्टेंस है कि ये ऑब्जेक्ट से कितना दूर, अगर लॉन्ग रखेंगे तो आपको स्क्रीन पर इम्पैक्ट आएगा, जैसे इस वीडियो के काफ़ी ऊपर है। तो अगर आप बिल्कुल पास शेडो रखना चाह रहे हैं तो इसका डिस्टेंस आप कम भी कर सकते हैं। और ये है उसका शेडो को स्प्रेड कितना करेगा, तो ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन आप अगर ये पेन टूल से ड्रॉ करना चाहें तो आप पेन टूल से डिफरेंट, जिस तरह आप फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में पेन टूल से डिज़ाइन करते थे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है डिज़ाइनिंग का काम वो डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं तो उधर ही होना चाहिए, चूँकि एडोब फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग का टूल है तो एडिटिंग का ही मोस्टली यहाँ पर काम होना चाहिए। तो लेकिन छोटा मोटा कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप इसी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप पेन टूल में देखें तो नीचे रेक्टेंगल्स हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई अगर आप बनाएं तो। इसी तरह उसकी यहाँ पे ये सेटिंग भी आपके पास आ गई है। आप इसका साइज, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। जहाँ तक आप रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से
ये एक उसका रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसका जो स्ट्रोक है वो ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा वो अजीब सा लग रहा था। अब ये देखिए, तो मैंने एक लाइन नीचे ऐड कर दी। यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है पेन टूल में रेक्टेंगल के साथ एलिप्टिकल कुछ उसको भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अगर अपनी मर्जी से कोई ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। बस ये है कि अगर आप कुछ चीज़ें कुछ बॉक्सेस वगैरह ये वो ऐड करने हैं वो करने हैं। लेकिन पेन टूल का जो बेसिकली सही काम है वो कुछ और है। लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें पेन टूल, तो वीडियो के ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा ज़रा बड़ा करता हूँ, तो वीडियो के ऊपर आपको एक की फ्रेम नज़र आ रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली। अगर आपके पास टाइमलाइन पे ये लाइन नज़र नहीं आ रही तो आपने बिल्कुल टाइमलाइन के ऊपर ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका जो शो वीडियो की फ्रेम्स है वो वाला जो ऑप्शन है वो चेक होना चाहिए। इसी तरह अगर ऑडियो में नज़र नहीं आ रहा तो आपको ये ऑडियो के अंदर जो ऑडियो की फ्रेम है ये भी चेक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो लाइन नहीं मिल रही। इसी तरह अगर मैं ऑडियो वाले में ऑप्शन में अनचेक कर देता हूँ तो मुझे ऑडियो पर भी नहीं मिल रही। पेन टूल चूंकि कंट्रोल करता है आपके किसी भी वीडियो क्लिप की ओपेसिटी के लेवल को, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी के लेवल को कंट्रोल करता है, और इसी तरह पेन टूल कंट्रोल करता है आपके ऑडियो के वॉल्यूम के लेवल को भी। उसके लिए ऑब्वियसली आपको की फ्रेम्स चाहिए होंगे। तो इसी तरह मैं इसको की फ्रेम ऐड करने के लिए वीडियो के लिए यहां से शो की फ्रेम ऑन करूंगा और यहां से शो ऑडियो की फ्रेम ऑन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑडियो का की फ्रेम और ये वीडियो का की फ्रेम आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली है क्या, ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये वीडियो का की फ्रेम पकड़ के मैं बिल्कुल डाउन कर दूं तो ये आप देखें ये इसकी ओपेसिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के बिल्कुल टॉप पे ले जाऊं तो ये आपको पूरा नजर आ रहा है। और मिसाल के तौर पर इसको मैं ऊपर रखता हूं और इसके नीचे मैं एक और क्लिप रखता हूं, और अब ऊपर वाले का लेवल अगर मैं कम करूंगा ये देखें तो वो मुझे नीचे वाले का उतना लेवल ऑडियो नजर आ रहा है। बेसिकली ये नीचे का वीडियो ये है और ऊपर जब मैंने ये वीडियो लगा के उसका ओपेसिटी लेवल थोड़ा कम किया है की फ्रेम से जो, तो वो आपको दोनों वीडियोस यहां पे ये नजर आ रही है। इसी तरह आपका जो ऑडियो का लेयर है वहां पे भी आपको ऑडियो का की फ्रेम एक लाइन नजर आ रही है। बेसिकली ये उसका वॉल्यूम कंट्रोल है। जैसे ही आप इसको होल्ड करके इसको बिल्कुल नीचे ड्रॉ कर देंगे, इसका डीबी जीरो कर देंगे, तो आप देखें आपको उसका कोई वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे अगर आप थोड़ा सा अप रखेंगे तो ये इसका वॉल्यूम आपको सुनाई देना शुरू करेगा। इसी तरह ये मैक्सिमम आप इसको टॉप पे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे पेन टूल आ जाता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका यकदम जो ऑडियो आया है, मिसाल के तौर पे ये जो ऑडियो है और जो वीडियो है वो यकदम यहाँ से आना शुरू हो गया, ये देखें। अगर मैं पेन टूल के साथ इसको क्लिक कर दूँ तो ये एक की फ्रेम पे, वीडियो के की फ्रेम पे एक नॉड ऐड कर देगा जिससे हम इस जो की फ्रेम है इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो आप इसको पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। चूंकि टॉप पे इसकी विजिबिलिटी 100% होती है तो आपको वो नज़र आता है, नीचे कर दें तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये एक नॉड में बिल्कुल नीचे कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो क्लिप की और वीडियो की जो ओपेसिटी लेवल है वो ज़ीरो है और यहां पे ये 100 हो जाता है। तो ये देखें आपको वीडियो एक स्मूथ 0 to 100% ओपेसिटी के लेवल से नजर आएगी। अगर आप इसको पकड़ के थोड़ा सा अवे कर दें तो आपको यही एक फेड का लुक देगा। और इसी तरह अगर आप ऑडियो के ऊपर ये लगाना चाहें, मैं चाह रहा हूं कि ऑडियो भी मेरा जो है वो बड़ा स्मूथली आए, एकदम हिट एयर्स को ना करे, बड़ा स्मूथली इन हो वीडियो में, तो उसके लिए भी मुझे की फ्रेम्स लगाना पड़ेंगे और की फ्रेम्स हम पेन टूल के साथ ही लगाएंगे। आप पेन टूल को जहां पे भी आप की फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं वहां पे क्लिक कर दें और जहां पे भी आप क्लिक कर देंगे ये वहां पे एक नॉट ऐड कर देगा। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी नॉट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल ये देखें जीरो कर दिया है यहां पे। और अगर आप अब देखें तो आपको ये स्मूथली ऑडियो ऊपर जाता हुआ सुनाई देगा।
इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर बिल्कुल इसके पास आके क्लिक करके इसको बिल्कुल बॉटम पे कर देता हूँ। अगला क्लिप मैं यहाँ पे रख के इसको भी पेन टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका फेड इन और फेड आउट का एक ऑप्शन बना दिया है। देखिए यहाँ से मैंने दोबारा दो कीज़ लगाई और इसको बॉटम पे कर दिया और इसको रोटेट करके यहाँ पे, और ये अगली वीडियो फिर मैंने ये लगाई पेन टूल के साथ ही सिलेक्ट करके मैं ये सारे की फ्रेम ऐड करके इनके फेड आउट बनाऊँ। यहाँ से मैं एक लॉन्ग की फेड लगाना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे दूसरा की फ्रेम ऐड करूँगा। इसी तरह ऑडियो पे भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको दूसरा की फ्रेम ऐड किया और इसको बिल्कुल बॉटम पे इसका डीबी लेवल ज़ीरो कर दिया। जब डीबी लेवल ज़ीरो होगा और वो एक लेयर ग्रेजुअली ऊपर जाएगा उसका ग्राफ की फ्रेम का, तो उसी तरह उसका वॉल्यूम अप जाएगा। यहाँ से आप अप कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह आप पेन टूल से की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और उससे आप अपनी वीडियो की जो विजिबिलिटी है उसकी ओपेसिटी का जो लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं, और इसी तरह ऑडियो के ऊपर आप उसके वॉल्यूम के लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऑडियो हो वो यकदम हिट मेरे एयर्स को ना करे और बड़ा स्मूथली ना आए, तो पेन टूल के थ्रू मैं उसको वो लगा सकता हूँ। लेकिन ये की फ्रेम आप पेन टूल के बगैर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सिर्फ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है और आप कमांड को प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आप बगैर पेन टूल के भी वैसे ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अगर इसको पकड़ के बिल्कुल नीचे कर देता हूँ तो ये देखें, मैंने पेन टूल को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ जो मेरा सिलेक्शन टूल था उसके साथ मैंने कमांड को एडिशनली प्रेस करके क्लिक किया तो उसने की फ्रेम ऐड कर दिए और अपनी मर्जी से मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो उम्मीद है आपको पेन टूल की समझ आ गई है। पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप वीडियो के फेड्स, उसकी विजिबिलिटी और ऑडियो के जो फेड्स और उसके जो मिक्सिंग लेवल है ऑडियो का, उससे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगले किसी वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। सो अंटिल देन, बाय बाय।